अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम तैमूर और आप देख रहे हैं दी टॉप ट्रेंडिंग। दुनिया में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 3.5 अरब है, जिनमें तकरीबन 3.6 बिलियन इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 2.96 बिलियन लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। चुनाचा जिंदगी में ज़बरदस्त तब्दीली के साथ लोगों को जोड़ने और आसानी से कारोबार करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बन गया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 सोशल मीडिया एप्लीकेशन की। अगर ये एप्लीकेशंस ना होती तो शायद ही सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाता। नंबर 1, फेसबुक दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप्स में से एक है, जिसके 2.41 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। एक जगह से दूसरी जगह रब्ता कायम करने के लिए फेसबुक एक बुनियादी प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का इस्तेमाल लाखों सार्फिन करते हैं, जहां लोग अपनी तस्वीर वीडियोस शेयर करते हैं। और इस एप्लीकेशन की नेटवर्थ आज के अंदाजे के मुताबिक 527 बिलियन US डॉलर से भी ज़ायद है। नंबर 2, यूट्यूब एक वीडियो होस्टिंग सर्विस है, जिसके 2 अरब मंथली एक्टिव यूजर्स है। ये iOS और एंड्रॉयड के साथ मुताबिकत रखता है। ये ऐप सारिफ को वीडियो पर अपलोड देखने, शेयर करने, रेट करने, रिपोर्ट करने और तबसरे करने की इजाज़त देता है। नंबर 3, व्हाट्सएप एक फ्रीवेयर पैगाम भेजने का प्लेटफॉर्म है। इससे सारिफ को अपने मोबाइल फ़ोन से टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप पैगाम भेजने की सहूलत मिलती है। वीडियो कॉल डेटा को ऑफलाइन महफूज करना, बैकअप डेटा और ऐसी बहुत सी चीज़ें इस ऐप को दुनिया में तकरीबन 1.6 बिलियन व्हाट्सएप ऐप यूजर्स मौजूद है। और एक अंदाजे के मुताबिक इसकी नेटवर्थ 19.3 बिलियन US डॉलर है। नंबर 4, ये एक फौरी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, जो iOS और एंड्रॉयड के साथ मुताबिकत रखता है। वी चैट व्हाट्सएप ऐप की तरह ही है, जहां आप मैसेजेस करने के साथ साथ कॉल भी कर सकते हैं। इसके दुनिया भर में 1.3 बिलियन लोग वी चैट से मुंसलिक हैं और इस एप्लीकेशन की नेटवर्थ 500 बिलियन से भी ज़ायद है। नंबर 5, इंस्टाग्राम वो ऐप है जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है। इसके दुनिया भर में 1 मिलियन अफराद इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं। इन सब में इंस्टाग्राम की अनोखी खसूसियात ये है, जो अपने मेम्बरों को 2 तरह के अकाउंट मुहैया करती है। एक निजी अकाउंट है, जिसमें आप अपनी पसंद के दोस्त बना सकते हैं, और दूसरा बिजनेस अकाउंट, जिसमें सार्फिन अपनी प्रोफाइल या किसी भी तरह के जायरीन की प्रोफाइल को फ़रोग दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जायरीन तस्वीर वीडियोस, बराए रास्त वीडियोस, कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। हाल ही में इसमें नई खसूसियत शामिल की गई है, जो IGTV है, तवील वीडियोस की हिमायत करती है। एक अंदाजे के मुताबिक इस एप्लीकेशन की नेटवर्थ 110 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़ायद है। नंबर 6, क्यूक्यू वी चैट की बुनियादी कंपनी है। क्यूक्यू की इब्तदाई रिलीज 1999 में हुई थी। क्यूक्यू एक फौरी मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है, जो मुख्तलिफ किस्म की खिदमत फराहम करता है, जिससे सार्फिन बहुत जल्द पैगाम भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। क्यूक्यू पर लगभग 807 मिलियन सार्फ अकाउंट है और इस कंपनी की नेटवर्थ 10 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज़ायद है। नंबर 7, टिकटॉक ताज़ा तरीन वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्क है। टिकटॉक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये 2018 में दुनिया की सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप थी। टिकटॉक पर 550 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। यहाँ 60 सेकंड तक वीडियोस रिकॉर्ड की जा सकती है। ये एप्लीकेशन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर है। टिकटॉक छोटे छोटे इश्तहारात बांटकर कारोबार को ऑनलाइन फरोख देने में मदद करता है।
कुछ फिल्टर्स और असरात शामिल करके सारे वीडियो को ज़्यादा मौसर अंदाज में तश्कील दे सकता है और इस एप्लीकेशन की नेटवर्थ 50 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़ायद है। नंबर 8, ट्विटर सोशल नेटवर्किंग ऐप पर असल वक्त की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इस पैगाम को ट्वीट्स के नाम से जाना जाता है, जहां रजिस्टर्ड और सार्फिन ट्वीट्स कर सकते हैं और गैर रजिस्टर्ड जायरीन ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। ट्विटर्स के दुनिया भर में 330 मिलियन यूजर्स हैं। ट्विटर बेहतरीन सार्फिन की खिदमात के लिए एक मिसाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सार्फिन आपकी दिलचस्पी का ट्वीट पढ़ने का इंतखाब कर सकते हैं, जैसे खेल, खबरें, तफरी वगैरह, और इस एप्लीकेशन की नेटवर्क 61.51 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़ायद है। स्नैपचैट में 314 मिलियन सार्फिन हैं। ये एक बेहतरीन ऐप है जिसने लाखों सार्फिन के दिल जीत लिए। स्नैपचैट एक मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप है, जहां सार्फिन फौरी मैसेजिंग, वीडियो चैट, वीडियोस शेयर कर सकते हैं। स्नैपचैट में सबसे ज़्यादा दिलकश चीज़ इनके फिल्टर्स है। ये वाहिद ऐप है जो सार्फिन की सही सिम्त दिखाती है। इसमें सार्फिन पैगाम के साथ वीडियोस और तस्वीर भी भेज सकते हैं और इस एप्लीकेशन की नेटवर्थ 84 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज़ायद है। नंबर 10, लिंक्डइन एक ऐसी ऐप है जो हमेशा वराना पैगाम भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मुतअद्दद ज़बानों में मौजूद है। मेंबर इन किसी को भी मदऊ कर सकते हैं और रابطہ कर सकते हैं। लिंक्डइन की दुनिया भर में तकरीबन 310 मिलियन मेंबर है। लिंक्डइन का मोबाइल वर्जन 2008 में इंस्टॉल किया गया था, जो उसे बहुत काबिले रसाई और मुताबिकत रखता है। ये तो थी सोशल मीडिया की टॉप 10 एप्लीकेशंस, और अगर ये ना होता तो शायद ही सोशल मीडिया इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाता। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।